आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं खुशी, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। एक नजर बिहार अहम खबरों पर। बिहार में कोरोना का कहर जारी, आज मिले 13 नए मामले। कैमूर में शराब बेचने की सूचना देने वाले पत्रकार पर हमला, मारपीट में पिता समेत 5 लोग घायल। कोटा में बिहारी छात्रों पर केस, घर वापसी की मांग करे स्टूडेंट पर FIR। बिहार में शराब खरीदने वाला दरोगा गिरफ्तार, SP के आदेश पर हुई कार्रवाई। कोरोना संकट पर नीतीश कुमार ने बताई रणनीति, कहा पल्स पोलियो अभियान की तरह डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी। पटना एयरपोर्ट के पास सफाई कर्मी संक्रमित, 2 साल के मासूम को भी हुआ कोरोना। राज्य सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा कि किसी लायक नहीं है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार सरकार को डूब मरना चाहिए। बिहार में 33,916 शिक्षकों की बहाली, अगले महीने से शिक्षा विभाग शेड्यूल तैयार करने में जुटा। नालंदा में सब्जी मंडी लगाने पर विवाद, 2 गांवों के बीच जमकर हुई रोड़ेबाजी। मौसम विभाग का अलर्ट, 30 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना। बिहार में 1700 से ज्यादा पदों पर निकली बहाली, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। पटना यूनिवर्सिटी गेट से छात्र संघ अध्यक्ष अरेस्ट, कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग। 3 दिनों के अंदर ले अप्रैल का फ्री गैस सिलेंडर, नहीं तो सरकार रोक देगी पैसा। लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर के मरीज को हुआ कोरोना, तेजस्वी ने जताई चिंता। कोरोना हॉटस्पॉट एरिया को CRPF ने लिया कब्जे में, एम्बुलेंस को भी लेना होगा पास। बिहार में चमकी बुखार का कहर, SKMCH में 3रे बच्चे की मौत। JDU का प्रशांत किशोर पर पलटवार, कहा करोड़ों में खेलने वाला क्या जाने 1000 का मोल। JSC इंटर मैट्रिक परीक्षा मूल्यांकन शुरू, केंद्र में 2 परीक्षकों के बीच होगी 6 फीट की दूरी। घाटी शला के RPF के जवान कोरोना पॉजिटिव, ग्रामीणों ने बंगाल सीमा को किया सील। पुलिस ने जमुनिया पुल पर 15 घंटे रोका आवागमन, बिना अनुमति सड़क पर किसी गाड़ी को नहीं जाने दिया गया। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any